हेलो किड्स, माय नेम इज पटेल सिंह नेसा, एडुकेटर ऑफ गजेरा विद्या भवन उत्तराखंड। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आई नो आप सबको स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो आप सब रेडी हो? तो आज स्टोरी का टाइटल है द एलिफेंट एंड द एंट। लेट्स स्टार्ट। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक एलिफेंट रहता था, वेरी बिग एलिफेंट। लेकिन वो एलिफेंट बहुत ही घमंडी था, उसे अपनी शक्ति पे बहुत घमंड था। उसे जो भी एनिमल रास्ते में मिलते थे उसे वो परेशान करता था और डराकर भगा देता था। एक दिन एलिफेंट ने एक ट्री पर पैरट को बैठे देखा, तो एलिफेंट ने बोला, मेरे सामने झुको। तो पैरट ने मना कर दिया। गुस्से में आकर एलिफेंट ने वो ट्री को ही उखाड़ दिया जिस पर वो पैरट बैठा था। पैरट उड़ गया और एलिफेंट उसे देखकर हंसने लगा। ऐसे ही एक दिन जब एलिफेंट पानी पीने के लिए रिवर के पास गया, तो उसने देखा वहां एंट्स का एक छोटा सा हाउस था और एक एंट बड़ी मेहनत से खाना इकट्ठा कर रही थी। ये देखकर एलिफेंट ने पूछा, क्या कर रही हो? तो एंट ने कहा, रेनी सीजन आ रही है, इसीलिए मैं अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुनते ही एलिफेंट को शरारत सूझी। उसने अपनी टंग में पानी भरा और एंट के ऊपर डाल दिया। पानी से एंट का पूरा खाना बिगड़ गया और वो देखकर एंट को बहुत गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि मैं एलिफेंट को एक सबक सिखाऊंगी। और एक दिन एंट को मौका मिल ही गया। जब घमंडी एलिफेंट खा पी के आराम से सो रहा था, तभी एंट एलिफेंट के टंग में घुस गई और उसे काटने लगी। एलिफेंट को जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसे बहुत दर्द हो रहा था। इसके बाद एंट ट्रंक से बाहर निकल आई। उसको देख के ही एलिफेंट डर गया और माफी मांगने लगा। एंट को फील हुआ कि एलिफेंट को अपनी भूल समझ में आ गई और वो सचमुच बदल गया। तो उसने एलिफेंट को माफ कर दिया और एलिफेंट ने भी प्रॉमिस किया कि वो अब किसी को भी परेशान नहीं करेगा और सबकी हेल्प करेगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें अपनी शक्ति का गमन नहीं करना चाहिए और अपनी शक्ति से किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सबकी हेल्प करना चाहिए। बाय बाय किड्स, हैव ए नाइस डे।